नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए कल अमित शाह पटना आ रहे हैं, ऐसे में तैयारियां पूरी जोरों शोरों से है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरा पोस्टर से पटना को पाट दिया गया है और जगह जगह पे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई है। और आप देख सकते हैं बापू सभागार का बाहर का नजारा है और गोलंबर पे भी आप देख सकते हैं तमाम पूरे गोलंबर को पाट दिया गया है। तो इसके बापू सभागार के पास हो गए, लेकिन पटना में आप जहाँ भी जाएंगे आपको इतने बड़े बड़े पोस्टर दिखने को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पोस्टर से कुछ लोगों की तस्वीर गायब है। जी हाँ, आपको हम बता दें कि इस पोस्टर में ना ही मतलब इनके स्वागत के लिए नहीं पशुपति पारस की तरफ से कोई पोस्टर लगाया गया है और ना ही चिराग पासवान की तरफ से। लेकिन आपको बता दें कि दोनों ही चिराग रिपोर्टर है जो कि अभी औपचारिक रूप से अभी अलायंस में नहीं है, लेकिन पशुपति पारस अलायंस में है और केंद्र में भी मंत्री हैं। लेकिन उनके तरफ से अमित शाह यानी कि भारत के गृह मंत्री के स्वागत के लिए एक भी पोस्टर नहीं लगाया गया है। आपको बता दें कि खबरें अंदर से आ रही है कि पशुपति पारस का नीतीश कुमार से नजदीकियाँ बढ़ रही है, क्योंकि जब से चिराग पासवान को सुरक्षा मिली है केंद्र के तरफ से, तब से पशुपति पारस थोड़ा मुझाए लग रहा है और उनके डर भी सता रही है। क्या इसी का तो नतीजा नहीं है कि वो पूरे तरीके से सरकार से बाहर जाना चाह रहे हैं? क्योंकि इसमें देखना होगा ना 24 में भी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं और ना 24 में जिस तरह से लेकर रणनीतियाँ बन रही है और सामने माहौल दिख रहा है, क्योंकि सभी पार्टियाँ पूरी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। एक तरफ अमित शाह आज कल पटना आ रहे हैं, वही दूसरी तरफ कल पूर्णिया में हिमाचल की तरफ से महागठबंधन का रैली है जो कि बहुत बड़ा रैली है। 2024 के लिहाज से देखा जा रहा है उस रैली को भी। लेकिन तीसरी तरफ आपको बता दें, यही महागठबंधन के एक बड़े नेता हैं सुधाकर सिंह, जो कि पूर्व सीसी मंत्री भी रह चुके हैं, जो कि पार्टी से अलग हटकर महागठबंधन की रैली से पूरी तरह से अलग हटकर राकेश टिकैत के साथ एक नया समीकरण बना रहे हैं। वो भी किसानों को लेकर ही रैली कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि सुधाकर सिंह भी ट्रैक्टर रैली राकेश टिकैत के साथ करने वाले हैं कल ही, जो कि कल ही महागठबंधन की तरफ से भी रैली किया जा रहा है सीमांचल में सीमांचल के पूर्णिया से। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पटना से वे अपने अमित शाह के तीनों रैलियाँ 2024 को लेकर सब कुछ साफ करेगी। कुछ ना कुछ इससे पता चलेगा कि आखिर जनता किस तरफ है और जनता क्या चाहती है। बता दें हेलो स्वाजानंद सरस्वती जी का जयंती है कल, जयंती मनाएंगे अमित शाह। लेकिन इस बहाने कम से कम हाँ कोई लॉलीपॉप खिलाएंगे आगे किया गया है, माफ कीजिएगा। और विवेक कार्यक्रम को अकेला देख रहे हैं, विवेक ठाकुर का यही सब रहा है और बहुत शालीन तरीके से वो भी अपनी बात रखते हैं और बहुत शांत स्वभाव के भी हैं। ये ठीक बात नहीं है, उनको आगे कर बीजेपी अगड़ी रोल नहीं खिलाएगा, चाहती है पिछड़ी का राजनीति तो रोल नहीं लग रहा है। महागठबंधन पिछड़ी की राजनीति करने के लिए सीमांचल कल रैली करेगी जो कि पूर्णिया में करेगी, बहुत बड़ा है। वही दूसरी तरफ राकेश टिकैत के साथ सुधाकर सिंह भी, जो कि आरजेडी कोटे से मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, बाद में कुछ कारणवश उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद अब महागठबंधन से अलग हटकर वो फिर से अपना एक रैली कर रहे हैं और पूर्व में भी नीतीश कुमार को जमकर हमला भी करने किए थे, नीतीश कुमार के बारे में बोलते, लेकिन अब उन्होंने एक रैली ही अलग कर दिया। ठीक उसी दिन जिस दिन महागठबंधन का संगठन एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो है, जेपी नड्डा है, फिर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी प्रसाद है, रवि देवी है, विजय कुमार सिन्हा है, अनुराग चौधरी है, राधामोहन सिंह है, मंगल पांडे है, उसके बाद कमाल सेन है, नंदकिशोर यादव है, और यहाँ पे तमाम तरह के आप जो भी बड़े नेता है उसके ऊपर भी देख सकते हैं, मोदी, राधामोहन सिंह, विजय ठाकुर, तमाम जितने भी बड़े नेता हो, अध्वनी चौधरी हो, नित्यानंद राय हो, जो भी है सब किसी का फोटो और पोस्टर में फोटो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही एक बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा गया है कि अमित शाह जी का पाटलिपुत्र के पावर का स्वागत है। लेकिन
पशुपति पारस के पार्टी से और ना ही इनके तरफ से कोई पोस्टर लगाया गया है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर पोस्टर नहीं लगाने का वजह क्या है? क्या पशुपति पारस नीतीश कुमार के संपर्क में आ गए हैं? क्या वह एनडीए से अलग हो सकते हैं? क्योंकि चिराग पासवान के एनडीए में आते ही उन पर प्रेशर तो बन रहा है, क्योंकि चिराग पासवान कहीं ना कहीं अगर एनडीए में आते हैं तो पशुपति पारस के लिए एक बहुत बड़ा एक मुसीबत हो जाएगा। ऐसे में पता उनको अपने आप को स्थापित करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, हम नज़र जमा कर रखते हैं, आपको हम बताएंगे क्या कुछ होगा। आप देखते रहिए भारत लाइव। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।